लगती है सर, मेरी बात सुनो, मोदी जी ने बोला अपने पैरों पे खड़ा हो, नहीं रोजगार है अपना काम करो, और अपना काम किया अब यहाँ भी खड़े नहीं हो रहे दे रहे आप लोग, अपना काम भी नहीं करने दे रहे आप, इतना पढ़ लिख मेरी बात सुनो सर, सर तो देख सकते हैं तस्वीरें, देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार गुस्साए हुए हैं, बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। सर हमारी बात आप सुनोगे नहीं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा सर। रेडी यूनियन हमारी पीर माजराम डेवरी पूंछगढ़ सब ने ना अंक मीच के बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को ये सोच के नहीं भाई हमारे यहाँ से खड़ा है, मोदी को वोट दिया था मोदी पे, और ये साल इलेक्शन होएगा, ये सुनो सुनो सुनो, ये दिन देखने के लिए वोट दिया था सर, खालसा कॉलेज से मैंने बीएससी पास आउट किया है, बीएससी पास आउट किया है, और मैंने पिज्जा वैन लगाई है, और ये दिन देखने के लिए लगाई है। लगातार गुस्साए हुए हैं मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद देख सकते हैं काफी गुस्साए हुए हैं, कह रहे थे कि हमने जो है वोट दी है तस्वीरें। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के फुआरा चौक के नजदीक, जहां पर सभी रेडी पटरी लगाने वाले लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, और इनका कहना है कि निगम द्वारा जो है इन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जगह है वहाँ जगह दी है, चलो आप थाने के तो वो 60 रेडी के बहाने 2000 रेडियो को परेशान करेंगे, वो कहेंगे कि तुम्हें जगह वहाँ दी है तो आप यहाँ क्यों हो, इस वजह से हमारा चलान बनाएंगे सर, हमारा क्या करेंगे आप लोग, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एक साइड में खड़े होकर हमें हमारा काम करने दो, हम रोड से नीचे रहेंगे, अगर उससे ऊपर आएंगे लाइन बनाओ, उससे ऊपर रहेंगे हमारा 500 की जगह 5000 का चलान, रेडी पड़ी वाले हैं सर, रेडी पड़ी वाले हैं, का क्या लेना देना, तो खोखा भी तो उसी में आता है, खोखा भी तो उसी में आता है, ये भी तो बेचारा गरीब आदमी है, ये भी तो गरीब है, ये भी अपनी रोजी रोटी चला रहा है, रेडी फड़ी वाले अतिक्रमण फैला रहे हैं, उसके करके हमने वो जगह दे दी है, वहाँ जाओ अब जितने भी शहर में कम से कम 8-9 हज़ार रेडी वाले हैं सर, 8-9 हज़ार वाली वहाँ पर कम से कम 60-70 रेडियाँ लग सकती है, अब 10,000-8,000 रेडी वाले वहाँ कैसे जाएंगे, और क्या है अब हमें 14 तारीख तक का टाइम दे दिया नगर निगम ने, वो कह रहे हैं कि भाई 14 तारीख के बाद अगर कोई भी रेडी मिली उसका चलान कर दिया जाएगा, उसे रेडी ले जाई जाएगी, यानी कि हमारा काम 14 तारीख से बिल्कुल ठप। अभी सुबह अखबार में आया था कि जो रेडी लगाने के लिए जहां जगह दी गई है वहां पर भी ना शौचालय की सुविधा है ना पीने का पानी है, सिर्फ लिख दिया गया बिल्कुल, जैसे मैं बताता हूँ सर हमारी चार्ट की रेडी है सर, कोई लेडीज कोई बच्चा खाने का मन कर रहा है वो शहर से बाहर नहीं जाएगा सर, आप भी हो शहर से बाहर नहीं जाओगे, अब जितनी शहर की रेडियां सब आउट में चली जाएंगी, वो पहली बात तो सरकार के पास जगह ही नहीं है इतनी हमारे को देने के लिए, वहाँ सिर्फ 50 रेडियो की जगह है सर, आप बताइए अब हमें नगर निगम ने टोटल है कितनी रेडियो सर, 8-9 हज़ार है, गिनती नहीं है, 8 से 10 हज़ार रेडियां, और आखिरकार ये सब रेडी वाले कहाँ पर लगाएंगे, इस चीज का यहाँ पर सवाल ये खड़ा करते हुआ नारेबाजी जी, कितने पैसे बट्टे कहाँ पर रेडी लगाई है आपने, कहाँ रेडी वही लगा रहा जी, सिटी थाने वेंडिंग जोन में लगाई है जी, क्या हुआ है वहाँ, कुछ नहीं काम धाम कुछ नहीं, 500-400 रुपए दिहाड़ी बनी यही आ रही दुकानदारी, 500-400 रुपए दुकानदारी हो रही बस, कमाई कुछ भी नहीं, 2 किलो छोले नहीं निकल रहे, 2 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इधर उधर खर्चा भी हमारा, क्या कर बताओ, किराए पे रहने वाले हम तो, पहले कहाँ लगाते थे, पहले पेपर मिल गेट पे लगाते थे, बढ़िया काम चलता था वहाँ तो, काम ओके दिहाड़ी निकल जाती थी, दिहाड़ी निकल जाती, अब 2 दिन से निकल रही है, 2 दिन से बिल्कुल नहीं है, कल 7:30 बजे डांस सब आ गए, चलान कटन नहीं, चलान होने नहीं था, उन्होंने बहुत परेशान करता, कहते चलो भैया तो रेडी हटेगी नहीं, रेडी उधर लगेगी थोड़ी, मैं कहा भाजी काम साढ़े हाथ रहेगा रेडी उधर की करेंगे जाके, रेडी गरीब लास्ट तो हमारा स्टॉप वही है, और कल हम 10 बजे रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर क्या करने आए थे, यहाँ पर हम रेडी वालों को साइड करने वाले हैं, कल से हमारी हड़ताल है सब रेडी वालों की, 10 बजे कल हम इकट्ठे होंगे डीसी साहब के पास जाएंगे सब, और सभी बड़े अफसरों के पास जाएंगे, और अब हम सबको प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, सब हमारे साथ हड़ताल का योगदान देकर सभी रेडी वाले, तो हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे वहाँ पर, देखिए जगह निगम ने क्या कहा है आप लोगों को कि कोई शहर में रेडी नहीं लगेगी, कहा है सबको खत्म कर दिया कि भाई सब कुछ कह दिया, सबकी कल फोटो खींच के ले गए हैं जो भी लगा रहा है शहर के अंदर, कह रहे अतिक्रमण फैला रहे, अतिक्रमण ये देखिए सर, ये जितनी भी ये बाइकें हैं सर, ये देखिए ये देख सकते हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर अनिल लैन यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, जैसा कि आप मेयर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, मेयर मदन चौहान जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसा कि आप लोग
लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेडी फड़ी वालों के बीच में जो पहुंचे हैं उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जो रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आमदनी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मेयर मदन चौहान जी पहुंचे हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि रेडी वाले लगातार कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नियम बनाएंगे? ये यार हमारे लोग हैं सारे, गरीब कहाँ से, तो हमारे मेरे जैसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बराबर का है जी, इनकी व्यवस्था करना तो हमारी अपनी जिम्मेवारी है जी। हम इनको एक एक चीज़ की जिम्मेवारी करके देंगे, हमको किसी के दुश्मन थोड़े हैं, हम तो इनके सहयोगी हैं या हमारे सहयोगी। मेयर साहब इनका कहना है कि 8000 रेडी हैं लेकिन वहाँ पर 60-70 रेडियो की जगह है। हमने भैया खाली एक जगह नहीं, हमने 10 से 12 जगह चीज़ें निश्चित की हैं, चिन्हित करी हैं, वो सारी जगह करने लग रहे हैं। अब तो वहाँ केवल हम 100 से 125 रेडी लेके जाने लग रहे हैं। जगाधरी हमने बहुत सुंदर वेंडिंग जोन बना दिए, ऐसे इंडस्ट्री एरिया में और देख रहे हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि कहाँ इनको शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ इनका काम चल सके, तो इन सारी व्यवस्था बना देंगे ना, कि टाइम लगेगा 2 महीने 3 महीने। अभी तो केवल हमारा नॉन वेज का खाने पीने वाला जो फोकस था वो हमने किया है, और वो मेरे ख्याल सफिशेंट जगह है, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं इनसे बैठ के बात कर लूँगा, इनके साथ आ जाऊँ। सर इनका कहना है कि कल ये रेलवे स्टेशन में इकट्ठे होंगे और हड़ताल की योजना बना रहे हैं। सर कोई बात नहीं, स्वतंत्र है यार, कौन किसी को रोक सकते हैं। सर इनके गाहक बंदे होते हैं, जैसे पप्पू की यहाँ रेडी है, कर लेंगे कर लेंगे, बात उनसे बात होगी, कर लेंगे। हमारी तो बातें सुननी पड़ेंगी सर, सर हमारी बात आप सुनोगे नहीं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा सर। रेडी तो देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर जो लगा है तार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुंचे थे, रेडी वाले काफी नाराज है जो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुंचे, हमारी पीर माजरा मडेवरी पूंछगढ़ सब ने ना अंक मीच के बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को ये सोच के नहीं भाई हमारे यहाँ से एक हटा मोदी को वोट दिया था मोदी पे, और ये अगले साल इलेक्शन होएगा, ये सुनो सुनो सुनो, ये दिन देखने के लिए वोट दिया था खालसा कॉलेज से। मैंने बीएससी पास आउट किया और मैंने पिज्जा वैन लगाई है, और ये दिन देखने के लिए लगाई है। तो देखते हैं लगातार गुस्साए हुए हैं मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद देख सकते हैं काफी गुस्साए हुए हैं, कह रहे थे कि हमने जो है वोट दिया तस्वीर, अगर यही चलता रहा ना अगली बार कोई वोट नहीं देगा। हमारे यहाँ संगम स्पोर्ट्स के सामने मीना मार्केट के पिज्जा वैन लगती है सर हमारी अपनी, और बीएससी नॉन मेडिकल से किया मैंने, कोई जॉब नहीं छोड़ी है सर, मोदी जी ने ये बात बोली है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, काफी गुस्साए हुए हैं लोग। रेडी स्टेशन चौक पे लगती है सर, चाट का काम है सर, गोलगप्पे का 10-10 रुपए का काम करते हैं सर। आज ही मम्मी पापा आए, हार्ट के पेशेंट है, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तुमने कितने वो है, हम तो सरकार के साथ हैं। वैन लगती है सर, मेरी बात सुनो, मोदी जी ने बोला अपने पैरों पे खड़ा हो, नहीं रोजगार है अपना काम करो, और अपना काम किया, अभी यहाँ भी खड़े नहीं हो रहे दे रहे आप लोग, अपना काम भी नहीं करने दे रहे आप, इतना पढ़ लिख के मेरी बात सुनो सर। सर तो देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेयर मदन चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार गुस्साए हुए हैं, बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं मेयर मदन चौहान, देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर लोग खासे नाराज, फूड वैन वाले और साथ ही साथ रेडी वाले नाराज काफी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, मेयर मदन चौहान अब गाड़ी में बैठकर जो है जा चुके हैं, क्या संतुष्ट हैं, क्या कह रहे हैं मेयर साहब? सर ये कह रहे हैं कि हम बैठ कर बात करेंगे, और ये नहीं पता कहाँ पे बैठेंगे कब बैठेंगे, इतना जान लगाते हो अपने रेडियो से। तो देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें, मेयर मदन चौहान जो है यहाँ से जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी रेडी फड़ी वाले जो है काफी अपनी दुकानदारी को लेकर काफी परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे जो है साथ की साथ जो है शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, कहाँ जा रहे हैं आप, जहाँ पर रेडियो के लिए जगह दी गई है वहाँ जा रहे हैं अभी।
तो देख सकते हैं मेयर मदन चौहान से लगातार सवाल करते हुए, सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे थे कि हमने वोट दिया है अगली बारी भी आएगी। तो इस तरीके की बातें भी नोकझोंक रेडी फड़ी और मेयर मदन चौहान के बीच में हुई थी। तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे जिला यमुनानगर के, जो है देख सकते हैं फुहारा चौक से, जहां पर रेडी फड़ी वाले काफी नगर निगम और मेयर मदन चौहान पर जो नाराज दिखाई दिया। अब ये रेडी फड़ी वहाँ पर 20 रुपए की सेल नहीं हो रही है कुलचे छोले वाला। क्या करने आए थे मेरे साथ? वहाँ पे कुलचे छोले वाला 4 कुलचे छोले बेच चुका है सिर्फ सुबह से शाम तक। भाई आगे बढ़ो, 80 रुपए तुम्हारे साथ है। चलो 80 रुपए की सेल की है एक दिन में, क्या खाएगा क्या कमाएगा बताओ। तो देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर लोग खासे नाराज दिखाई दे रहे थे। उसके बाद है जो नगर निगम जो मेयर साहब यहाँ पर पहुंचे, मेयर साहब यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद जो है काफी नोकझोंक हुई रेड़ी पटरी और मेयर मदन चौहान के बीच में। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहेगा। तो मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। इससे ना सिर्फ शहर अतिक्रमण मुक्त होगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे आप जो हमारे मीडिया कर्मी है ना, इनका सहयोग चाहिए होता अच्छे काम करते। अगर हम कहीं गलत काम करते हैं उसको भी आपको उठाना चाहिए और जोर शोर से उठाना चाहिए। आज ये रेडी वाले जब समस्याएं इन्होंने बताई है, क्या आपने समाधान किया? रेडी वाले मुझे नहीं मिले, मैं रेडी वालों को मिला। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातों में अंतर है। अब ये फारा चौक पे खड़े थे, मैंने वहाँ देख लिया, ये हमारे परिवार के लोग हैं, मैं इनको मिलने के लिए गया। आप रेडी वालों से पूछो किसी से। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे रेडी फड़ी वाले लोग हैं तरक्की करें, देश के तरक्की में योगदान देने का काम करें। और जहाँ सुंदर व्यवस्था होगी, आज क्या होता है, आज मान लो मैं मेयर हूँ, कल कोई और था, कल कोई और पड़ेगा, इनको बेचारों को क्या करता है, रेडी परे कर ले। कोई पुलिस वाला आएगा उठा लेगा, कोई दुकानदार कहेगा उठा देगा, कोई अपना कार वाला आएगा टक्कर मारेगा। मैं उन चीज़ों से को निजात दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ, इनकी इज्जत बढ़े, इनका सम्मान बढ़े। और एक जब ये जाएंगे, इनको लोन की फैसिलिटी है सारे और कई तरह की फैसिलिटीज है, जिनको मैं बाद में बताने वाला भी जब इकट्ठे करूँगा। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कि 1,80,000 रुपये की जिसकी इनकम है उसका हम आयुष्मान का कार्ड बनाने लग रहे हैं। वो यही लोग तो है रेडी फड़ी वाले ही, वो गरीब लोग ही तो है, नहीं तो अमीर आदमी का जाकर के इलाज होता, गरीब का इलाज नहीं होता था। मैं कोई बीच में से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लोग तो नहीं तो डर के चले जाते हैं, अरे भैया मैं इनके बीच का आदमी हूँ, इनके बीच में रहने वाला हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेवारी इनको सेटल कर। सर बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जो रेडी फड़ी वालों को बाहर खड़ा कर लेते हैं, उनसे डेली के पैसे वसूल करते हैं। ज्योति जी मेरे सारे ध्यान में है, मुझे एक एक चीज का पता है, मैं थोड़ा पार्किंग बना के सारी की सारी व्यवस्था करने वाला हूँ। तो मैं चलो बाजार में अचानक घूम रहा था हमारे CSI अनिल नैल जी के साथ, देख रहे थे कहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेडी वाले को बेचारे को उठा दिया और एक बड़ा दुकानदार उसने वहाँ जा करके रेडी लगा कर उसको चिकन बेच रहा है कर रहा है, और उसके साथ तो हम अन्याय ना करें, इनके साथ अन्याय करें कैसे होगा। हम तो सबसे पहले रेडी वाले हमारे हमने काम उनको, बाकी जो अभी दुकान के सामने बेचेगा जो कार्रवाई कानून रूप से बढ़ेगी वो कार्रवाई करेगी। मेरी बात सुनो, मेरे पास साधन नहीं है यहाँ पर आने का, अपने रेडी खा के यहाँ रखूंगा, कल को चोर वगैरह स्मैके कितने बाजार के अंदर। अगर एक बात एक और बात बताओ, आप हम यहाँ पर 4 बजे शाम को तक दुकानें खुली होती है, रात को 11 तक रहते हैं, अगर कल को हमारी रेडी नहीं दुकानें, कल को चोरियां बढ़ेगी दुकानों की। जब तक हम 12 बजे तक रहते हैं सेव करते दुकानों का, दुकाने वाले सारे मतलब दुकाने वाले हमारे को सारे मंजूर हैं यहाँ पर, दुकाने वाले हमारे को कुछ नहीं करते लगाने को। ये भी पूछो जो वहाँ आके रेडियां लगाए कितने का काम किए हैं, उनके जो माल लगाए उनका पैसा मिला कि नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, उनसे पूछो चल कर ऐसा स्कूटर ना जा रहा है भैया। अब मैं यहाँ से रेडी लेकर खड़े हैं, उनसे एक बार पूछो, नहीं है तो बाहर ये लगाए नहीं है। अगर हटानी है रेडियां तो पहले उतनी रेडियो की काउंटिंग करके गिनती कर लो, उसके बाद सारी रेडियो की जगह बना लो, इकट्ठे सब रेडियां हटाओ। अगर 10-10 करके हटाओगे, पक्षपात करोगे तो ये सही नहीं है। चलो चल के पूछ लेते हैं एक बार, 10 घर का रोटी चल रही है। चलो जिन्होंने रेडी लगाई है उनसे पूछ लेते हैं, उनका क्या कुछ काम हुआ, पहले क्या कुछ सेल थी और अब क्या कुछ काम है इन लोगों का, एक बार उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि पहले जहाँ पर रेडी लगाते थे और अब 3-4 दिन से यहाँ पर लगाना शुरू हो चुके हैं, अब उनका काम क्या कुछ रह गया है एक बार इनसे जान लेते हैं। कितने दिन से लगाई है आपने रेडी? आज ही लगाई है। वहाँ कितने की सेल होती थी, यहाँ कितने की हुई है?
बस आप ही आए जी, इतना तो कुछ नहीं हो रहा। आप तो 100-150 के कर रहे हैं। 100-150 की है? वहाँ कितने की हो जाती थी? 1500-2000 की हो जाती थी। तो देख सकते हैं आप, 100-150 रुपए की इनकी सेल हुई है, और पहले जो इनकी सेल होती थी वो होती थी 1000-1500 रुपए। तो काफ़ी परेशान है, चिंतित है कि कई ये नया स्मार्ट सिटी के चक्कर में ये काफ़ी नुकसान में ना पड़ जाए। तो आप मुझे मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।